धनबाद जिले में 4 दिवसीय दुर्गोत्सव का समापन विजयदशमी के साथ हो गया। कोयलांचल में लोगों ने धूमधाम से दुर्गा पूजा को मनाया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण का दहन जगह जगह दहन किया गया। बागमारा विधानसभा के मालकेरा मैदान में दशहरा के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 60 फीट रावण का पुतला कमेटी सदस्यों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जहां लोगों की भारी भीड़ रावण दहन के कार्यक्रम को देखने पहुंचे। रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बागमारा विधायक टुल्लू महतो उपस्थित हुए, जहाँ कमेटी सदस्यों ने विधायक का स्वागत किया, पगड़ी बांधकर सम्मानित भी किया। विधायक टुल्लू महतो के हाथों बुराई के प्रतीक रावण का दहन करवाया गया। रावण धू धू कर जला, पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। विधायक टुल्लू महतो ने कहा कि अधर्म सत्य पर प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। आज के समाज में जी असत्य अधर्म है, उसे समाज के लोग खत्म करें। मालकेरा दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और उसके मुख्य अतिथि हम थे और हमारे टाटा कंपनी के GM विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। और आज हम लोगों ने दोनों मिलकर रावण दहन का कार्यक्रम प्रारंभ किए, अंत भी किए। इससे एक प्रतीक को सीख मिलता है कि हम आने वाले दिनों में देना है कि जिस तरह से रावण अत्याचार आतंक अंत प्रभु श्री राम जी ने किए, उसी प्रकार आज हम लोगों के द्वारा प्रतीक है प्रतीक है कि रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया। उसी प्रकार मानव जीवन में भी उस तरह के बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो कि समाज में रहने के बाद भी असत्य के प्रति चढ़ाई करते, गलत काम करना, असत्य सोच रखना, पाप करना, उसको नाश करने के लिए हर इंसान का आज के समय में भी जागरूक होना होगा। उसे राक्षस को धर्म रूपी सोच रखने वाले राक्षस को अंत करने के लिए हर इंसान को भी आगे बढ़ना चाहिए।